हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रियल मैथमेटिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास टेंथ के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास टेंथ का मैथ है, जो एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8.1 को क्वेश्चन को पिछले वीडियो में सॉल्व करके छोड़ा गया था। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को वीडियो को तैयार किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखिए यहाँ पर, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये आपका फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक बताए थे पिछले वीडियो में कि साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है। अगर आप लोग को इसका वैल्यू इसका याद है तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, साइन 60 का मान क्या होता है बाबू, तो रूट में 3/2 होता है इंटू, उसी तरह से कॉस 30 का मान धरेंगे तो कॉस 30 का मान क्या होता है बाबू, रूट में 3/2 होता है, प्लस तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, अब साइन 30 डिग्री लिखा है तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। उसी तरह से कॉस 60 का मान पूछ रहे थे यहाँ पर, कॉस 60 का मान क्या होता है बाबू, 1/2 होता है। जब इसको बारी बारी से फार्मूला को हम क्या किया वो सेट कर दिए, तब इसको देखिए यहाँ पर किस तरह से होगा, √3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बाबू, जैसे आप लोग को यहाँ पर दिखा देते हैं, हम लोग जानते हैं कि बाबू √3 में √3 से गुणा होता है तो क्या होता है, √9 आता है। रूट में 9 के वर्गमूल क्या आता है बाबू, 3 प्राप्त होगा, 9 के वर्गमूल क्या आता है, 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, √3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 3 आएगा। यहाँ पर देखिए, 2 में 2 से कम करेंगे तो क्या, 4 आएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए, 1 में 1 से करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 1 आएगा। यहाँ पर देखिए, 2 में 2 से करेंगे तो 4 आएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर, सबसे पहले आप जानेंगे कि 4 4 के रिलेशन क्या होता है, तो बाबू 4 4 के रिलेशन क्या होता है, 4 होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर, 4 में 4 से डिवाइड देंगे यानी भाग देंगे तो 1 मर्थ में कटेगा। उसी तरह से 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर देखिए, 4 में 4 से डिवाइड तो 1 मर्थ में, यानी 1 में 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह से 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे 4/4, ये मेरा 1 मर्थ में कट जाएगा, यही मेरा क्या आ जाएगा बाबू, ये 1 आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट का मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग इतना याद रखिएगा कि साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2, गुणा है तो गुणा। उसी तरह से कॉस 30 का मान होता है रूट में 3/2। उसी तरह से सबसे पहले इस बेसिक को जो पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया, उस बेसिक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी बेसिक के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा 8.2 को। ये फर्स्ट का मेरा आंसर तैयार हुआ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिए कोई तेजी नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री, माइनस में दिया sin² 60 डिग्री। जिस तरह से फर्स्ट को हम सॉल्व किए उसी तरह से टू में भी सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर टेन 45 डिग्री पूछा है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेन 45 का मान क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 है, तो समझे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो लिखेंगे 2 × मैंने गुणा टेन 45 का मान क्या होता है बाबू, हम लोग जानते हैं टेन 45 का मान 1 होता है, मगर यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया है, तो इसको क्या करेंगे, घेरेंगे स्क्वायर, तो उसी तरह से प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए cos² 30 डिग्री पूछा है, तो cos² 30 यानी cos के 30 का मान क्या था बाबू, रूट में 3/2 होता है। यहाँ पर भी स्क्वायर दिया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। उसी तरह से माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए sin² 60 डिग्री दिया है, तो sin 60 का मान क्या था बाबू, रूट में 3/2 होता है, क्या था बाबू, 2 होता है। उसी तरह से इसको वर्ग करेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए हमको 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। उसी तरह से रूट में 3 को 2 बार करेंगे तो क्या आएगा बाबू, हमें 3 आएगा। 2 को 2 बार करेंगे 4 आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए रूट में 3 को 2 बार करेंगे तो 3 आएगा, ये 2 बार तो 4 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर इसको हम कैंसिल करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 में 1 से तो क्या प्राप्त होगा, 2 होगा। यहाँ पर देखिए ये अंक ये अंक सेम है, यानी ये 1 मर्थ में कट जाएगा, ये भी 1 मर्थ में, 1 1 घटेगा तो क्या बाबू, 0 प्राप्त होगा हमें, क्या वैल्यू मिलेगा बाबू, 0 मिलेगा।
उसी तरह से टू में जीरो जोड़ते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा, टू होगा। ये मेरा टू के आंसर हो जाएगा, क्या टू के आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग की मैं एक ये विनती करना चाहता हूँ, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन कोई चैप्टर से अगर नहीं बनता है, प्रॉब्लम कोई है, तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट में बोलिएगा, और से आपको सॉल्व करके भेजा जाएगा। 6205612738 इस पर आप लोग कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर भेजिएगा। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम है सॉल्व करने में कोई चैप्टर का, तो आपको बना कर उस वीडियो को तैयार करके भेजा जाएगा। चलिए थ्री नंबर क्वेश्चन देखा जाए। थ्री नंबर क्वेश्चन करा यहाँ पर देखिए, थ्री नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस 45 डिग्री बटा में दिया सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेस 30 डिग्री। जिस तरह से टू और वन को सॉल्व किया गया है उसी तरह से इसको भी सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉस 45 पूछा है, तो कॉस 45 का मान धरेंगे, यानी कॉस 45 का मान क्या था बाबू, रूट में 1/2 होता है, उसे मेन बटा लिखेंगे। सेक 30 के पूछा है, तो सेक 30 के क्या था बाबू, 2/√3 होता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस से, तो प्लस कॉसेस 30 का मान क्या था बाबू, तो 2 होता है। सबसे पहले इसको तो मान दिया था, सेट कर दिए। अब इसको सॉल्व करने से पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये मेरा एलसीएम क्या आएगा बाबू, 3 आएगा। अगर 3 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 कट जाएगी, यानी 2 प्राप्त होगा हमें। उसी तरह से इसमें अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 प्राप्त होगा, क्योंकि इसको बटा पर जोड़ तैयार करेंगे तो इतना हमें तैयार होगा। यहाँ पर एलसीएम रूट में 3 निकालिएगा, 3 में भाग दीजिएगा तो 2 उतर जाएगा। उसी तरह से प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 3 जाकर अगर 2 से करते हैं भाग तो क्या हो जाएगा, 2√3 प्राप्त होगा। यही जो तैयार होगा यहाँ पर हम तैयार किए हैं, यहाँ पर देखिए। अब चलिए इसको यहाँ पर उठा के देखिए इसे सेट करते हैं, लिखेंगे 1/√2 इंटू, अब देखिए 3 है तो 3√3 को ऊपर हम भाग देंगे, तो यानी ऊपर चल जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये है 2+√2, इसको क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। पहले यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये किस तरह से सेट हुआ, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1/√2 दिया है, इसको क्या करेंगे इधर जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को ऊपर भेजेंगे, ये जो है ऊपर वाला इसको नीचे लिखे हैं। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1/√2 इंटू 3/√2 में दिया 2+√3। तो सबसे पहले इसको यहाँ से बढ़ाने के लिए सबसे क्या करेंगे, ये दिया है 1/√2, इसको उसी तरह से उतारेंगे, इसको कुछ नहीं चेंज करना है। देखिए ये जो अंक है ये उसी तरह से उतार दिए, गुरा है तो गुरा, √3 है तो √3। अब यहाँ पर देखिए कॉमन करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 × 1+√3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 में 1 से करते हैं गुरा तो ये 2 तैयार हो जाएगा। 2 जाकर अगर 3 से गुरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 तैयार हो जाएगा, फिर उस तरह से मेरा इस तरह से मेरा तैयार हो जाएगा। इसीलिए क्या किया, 2 को कॉमन किया गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो हमें लिखेंगे 1/, अब देखिए ये 2 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 जाकर 2 से गुरा करेंगे तो 2√2 तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है तो ये उसको लिखेंगे 3 × 1+√3। यहाँ पर देखिए कहे का मतलब कि ये 2 जो है 2 से गुणा किए तो ये 2√2 तैयार हुआ। ये 1 × 1 √3 है तो 3, ये जो अंक है 1+√3 उसको उसी तरह से उतार दिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हर परिमेय क्या करना है, इसको हर परिमेय 2 बार करेंगे, जैसे इस तरह से करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई इस 1+√3 है तो लिखेंगे 1, ये प्लस से तो ऊपर जाएगा तो माइनस तैयार हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। उसी तरह से इसी अंक को नीचे फिर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर देखिए ये है, इसमें अगर गुणा करते हैं तो क्या जाएगा, यानी 3 ये हो जाएगा 2√2। अब यहाँ पर देखिए समझे कि यहाँ पर बटा में क्या हमारा हुआ 1 − √3,
यहाँ पर देखिए एक प्लस में है कि माइनस में है, देखिए तो एक प्लस में एक माइनस में किस सूत्र पर है बाबू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, एक प्लस में और एक माइनस में होता है, क्या था वो ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी है तो ए प्लस बी पर ये सवाल तैयार है, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी तो ए माइनस बी पर ही तैयार है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तुरेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तुरेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ हुआ नहीं, वन बटा रूट टू है तो टू लिख दिए, ये उससे मल्टीप्लाई तो दो रूट टू आया था, उसी तरह से रूट थ्री है तो रूट थ्री लिखें, इसको हर परिमकरण किया गया दो बार, देखिए वन है तो वन प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और रूट थ्री है तो रूट थ्री, इसी को नीचे लिखें वन माइनस रूट थ्री, अब यहाँ पर देखिए रूट थ्री जाके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट थ्री रहेगा उसी तरह से, अब यहाँ पर देखिए एक प्लस में एक माइनस में तो इस पर तुरेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे इसको बी, तो यहाँ पर देखिए वन के स्क्वायर करेंगे माइनस बी के रूट थ्री के स्क्वायर करेंगे, उसी तरह से आप देखिए आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा रूट में थ्री वन माइनस रूट में थ्री, अब यहाँ पर देखिए टू रूट टू है तो उसी तरह से उतार देंगे, यहाँ पर देखिए वन के दो बार करेंगे तो क्या बाबू वन आएगा, रूट थ्री के दो बार तो थ्री आएगा, उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा मेरा रूट में थ्री यानी कि वन माइनस रूट में थ्री, अब यहाँ पर देखिए अगर इसमें से घटाते हैं थ्री में से वन तो क्या प्राप्त होगा यानी टू रूट टू, ये तो उसी तरह से उतर जाएगा, यहाँ पर देखिए इन यहाँ पर बुरा छुपा है यानी इन टू इसमें से घटेगा तो टू आएगा, उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे तो देखिए आगे बढ़ाते हैं तो लिखेंगे रूट में थ्री इंटू वन माइनस रूट में थ्री बटा, अब देखिए टू में टू से मल्टीप्लाई गया यानी टू में टू से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस चार हो जाएगा, रूट क्या बचेगा बाबू रूट टू बचेगा, अब यहाँ पर देखिए ये प्राप्त हुआ, अब उसके बाद से देखिए ये माइनस फोर है रूट टू है तो रूट टू को कैंसिल करने के लिए इसी को हम दो बार हर परिमेयकरण करेंगे, जैसे यहाँ पर कर्स मल्टीप्लाई रूट टू ऊपर ले जाएंगे नीचे भी रूट टू लिखेंगे, क्योंकि अगर टू टू कैंसिल करते हैं तो मेरा क्वेश्चन उसी तरह से जगह तय रह जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ये रूट थ्री जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो क्या आ जाएगा बाबू रूट में छ हो जाएगा, ये है वन माइनस रूट में थ्री, यहाँ पर देखिए टू में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बाबू यहाँ पर जैसे रूट में टू इंटू रूट में टू से करते हैं रूट में टू में टू से करते हैं क्या रूट टू में चार आता है, चार का वर्गमूल क्या आता है बाबू दो होता है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए टू में टू से करेंगे तो टू आएगा, यहाँ पर देखिए माइनस फोर है तो माइनस फोर लिखेंगे, अब देखिए ये जो कि इसमें वन से करेंगे तो रूट छः तैयार होगा, ये देखिए छत्री अठारह हो जाएगा, क्या जाए बाबू अठारह हो जाएगा, उसी तरह से नीचे करेंगे चार दुना माइनस आठ हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए रूट छः है तो रूट छः लिखेंगे, यहाँ पर देखिए अठारह के वर्गमूल करेंगे थ्री रूट टू करेंगे बटा में क्या है बाबू माइनस आठ है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्योंकि तीन के दो बार करेंगे तो नौ इसको दो बार करेंगे तो दो तो नौ जो अठारह फिर इसको अठारह का वर्गमूल है थ्री रूट टू हो जाएगा, उसी तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे तब देखिए रूट में क्या बाबू थ्री है तो थ्री टू यानी थ्री रूट टू को बाहर निकालेंगे तो क्या जगह माइनस में और रूट छः को इधर लगाएंगे, अब देखिए माइनस क्या है वो आठ, ये माइनस माइनस में क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो बचे क्या बाबू यानी रूट में थ्री क्या दिया बाबू रूट में थ्री सॉरी यहाँ पर देखिए रूट में यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया क्योंकि देखिए यहाँ से हमसे मिस्टेक हुआ, यहाँ से हम लोग कहे के मतलब यहाँ से देखिए रूट छः दिया तो रूट छः उतार दिए अठारह के बन थ्री रूट टू होता है, यहाँ से आप लोग इस अपने कापी पर नहीं उतारिएगा ये कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको रूट छः है तो बहू रूट में छः हो जाएगा, रूट में छः हो जाएगा, यहाँ पर थ्री रूट टू है अब माइनस बटन क्या है वो माइनस आठ है, अब यहाँ पर देखिए रूट छः है तो छः उतार दिए माइनस है तो माइनस
3√2 है तो 3√2 का दिया, -8 है तो -8। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है अंक -√3, तो -√3 इंटू रूट टू, ये माइनस जो 6 रूट है इसको इधर ठेलेंगे तो क्या आ जाएगा -8। ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, यानी हमें क्या प्राप्त होगा 3√2 और माइनस में 6/8, ये मेरा 3 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ से आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए √3 में √6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, ये देखिए √6 में √3 से करेंगे तो 36/18 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √6 को यहाँ पर धरें माइनस है तो माइनस धरे हैं, √3 √2 है तो इसको धर दिए, 4 × −8 है तो 8 को यहाँ पर धर दिए। उसी तरह से −√3 2 है इसको बाहर निकालिएगा, इसको बाहर निकालिएगा तो देखिए −√3 × 2 माइनस है तो माइनस रूट में 6 इधर कर दीजिएगा, क्योंकि चेंज होता है ये संख्या इधर करेंगे इस संख्या की इधर -8, देखिए माइनस माइनस में कट जाएगा तो ये बचेगा 3 × √2 − √6/8, ये 3 का मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक दोस्त।